अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी है इंग्लिश की बुक फोर क्लास। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो आपका यूनिट नंबर वन है। ठीक है, पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग। ठीक है, पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग। ठीक है, तो लॉन्ग स्टॉकिंग बोलते हैं लंबे मोज़े को। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्हेन पिपी एंटर्ड वेला वेलिक्यूला फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, इट वाज अ लवली समर इवनिंग। ठीक है, तो पिपी जो थी, ठीक है, वो वेला वेलिक्यूला एक घर का नाम था। ठीक है, वहाँ पे फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा गई। ठीक है, तो कब गई थी वो? गर्मियों की एक सुहानी सी शाम थी। द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर टॉमी एंड अनिका वर नॉट एट होम। तो पड़ोस में दो बच्चे टॉमी एंड अनिका, जिनका नाम था, ठीक है, वो घर पे मौजूद ना थे। दे हैड गॉन टू विजिट देयर ग्रैंड मदर फॉर अ वीक एंड सो दे हैड नो आइडिया डैट एनी बॉडी हैड मूव्ड इनटू द हाउस नेक्स्ट डोर। ठीक है, वो जो दो थे बच्चे टॉमी एंड अनिका, वो कहाँ थे? अपनी दादी से मिलने गए थे एक हफ्ते के लिए। ठीक है, तो उन्हें इस बात का नो आइडिया, कोई अंदाज़ा नहीं था कि साथ वाले घर में कोई रहने आ सकता है। ठीक है, ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर दे केम होम अगेन दे स्टूड बाय द गेट। ठीक है, तो पहले दिन, ठीक है, वो जब अपने दादी से मिलके वापस आए, तो उससे अगले दिन, ठीक है, वो अपने दरवाजे पर खड़े थे लुकिंग एट ऑन द स्ट्रीट। ठीक है, लुकिंग आउट ऑन टू द स्ट्रीट, वो क्या है, गली में देख रहे थे। दे हैड नो आइडिया, उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा ना था डैट देयर एक्चुअली वॉज अ प्ले मेट सो नियर, कि उनके साथ ही कोई खेलने वाला बच्चा आ गया है। ठीक है, दे वर स्टैंडिंग देयर कंसिडरिंग वट दे शुड डू एंड वंडरिंग वेदर एनीथिंग एक्साइटिंग वॉज लाइकली टू हैपन और वेदर इट वॉज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज वेन दे कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू प्ले। ठीक है, तो वो अपने दरवाजे पर खड़े सोच रहे थे कि कोई ऐसी हैरान कन बात हो जाए जिनसे उन्हें खुशी हो। ठीक है, और वो इस बात को याद करें कि वो खेलने के लिए सोचते रहते थे लेकिन उन्हें भी कोई भी खेल सूझ नहीं पाता था। ठीक है, एंड जस्ट देन द गेट ऑफ वेला वेलिक्यूला ओपन एंड अ लिटल गर्ल स्टेप्ड आउट। तो उसी वक्त जो साथ घर था जिसका नाम क्या था, वेला वेलिक्यूला था। ठीक है, वो उसका दरवाज़ा खुला और एक छोटी सी लड़की बाहर आई। शी वॉज द मोस्ट रिमार्केबल गर्ल। ठीक है, टॉमी एंड अनिका हैड एवर सीन, वो एक अनोखी सी लड़की थी। टॉमी और अनिका जो थे वो क्या थे, उसे देख रहे थे। शी वॉज मिस पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग आउट ऑफ हर मॉर्निंग वॉक। ठीक है, वो कौन थी? उसका नाम था मिस पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग था। ठीक है, वो कहाँ जा रही थी? वो वॉक के लिए जा रही थी। डैट इज़ वाई शी लुक्ड। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं कि वो कैसे नज़र आती थी। हर हेयर, ठीक है, द कलर ऑफ कैरेट वॉज ब्राइडेड इन टू टू टाइट ब्राइड्स डैट स्टक स्ट्रेट आउट। ठीक है, कि उसके जो बाल थे वो किस कलर के थे? कैरेट के, गाजर का रंग था उनका। ठीक है, और उसने क्या थी, दो चोटियाँ बनाई हुई थी जो बिल्कुल स्ट्रेट थी। ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये हर नोज वॉज द शेप ऑफ अ वेरी स्मॉल पोटैटो, और उसका नाक कैसा था, छोटे से आलू की तरह। एंड वॉज डॉटेड ऑल ओवर द फ्रैकल्स। ठीक है, और उसकी क्या थी कि चीक्स पे, ठीक है, आइज के नीचे, ठीक है, उसके चीक्स पे क्या थे, छोटे छोटे डॉट्स थे। ठीक है, इट मस्ट बी एडमिटेड डैट द माउथ अंडर हिज दिस नोज वॉज अ वेरी वाइड वन विथ स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ। ठीक है, और उसके नोज के नीचे जो जगह थी, ठीक है, ये उस पर क्या थे, वाइट टीथ थे। ठीक है, हर ड्रेस वॉज रेदर अनयूजल, और उसका जो लिबास था वो भी बहुत अनोखा था। पिपी हैड मेड इट हर सेल्फ। ठीक है, पिपी ने इसे खुद तैयार किया था। शी हैड मेंट इट टू बी ब्लू, वो उसे नीले रंग का बनाना चाहती थी। बट वेदर
बट देयर वॉज नॉट क्वाइट इनफ ब्लू क्लॉथ, लेकिन उसके पास नीला कपड़ा मौजूद ज़्यादा ना था. सो पिपी हैड स्वीट लिटल रेड पीसीज ऑन इट हेयर एंड देयर. तो क्या किया था पिपी ने, रेड पीसीज लगा दिए थे हेयर एंड देयर, ठीक है, आगे पीछे इसने छोटे छोटे रेड पीसीज लगा दिए थे. On her long thin legs, उसकी क्या थी, पतली सी टांगे थी. She wore a pair of long stocking, ठीक है, उसने socks का जो है जराबों का क्या था जी, मोजों के एक जोड़ा पहना हुआ था, जोड़ी पहनी हुई थी. One brown and the other black, एक जो थी black थी और दूसरी brown थी. She had on a pair of black shoes, उसने काले रंग के जूते पहने हुए थे. That were exactly twice as long as her feet, जो कि उसके पैर से दो गुना ज़्यादा बड़े थे. हर फादर हैड बॉट दीज शूज़ फॉर हर इन साउथ अमेरिका सो डैट पीपी वुड हैव समथिंग टू ग्रो इनटू, ठीक है, ये जो शूज़ थे उसके फादर ने उसको जनूबी अमेरिका से ला के दिए थे, ठीक है, ताकि वो इनमें बड़ी लगे, वो उसके पाँव से दो गुना ज़्यादा बड़े थे, ठीक है. शी लव्ड देम, वो उन्हें बहुत पसंद करती थी. And she never wanted to wear any other, और वो इसके अलावा दूसरे जूते पहना ना चाहती थी, ठीक है. But the thing that made Tommy and Anika open her eyes wist of all was the monkey sitting on the strange girl's shoulder. लेकिन जो टॉमी और अनिका थे वो इस बात पे ज़्यादा हैरान थे कि पिपी के शोल्डर पे, लड़की के शोल्डर पे एक छोटा सा बंदर बैठा हुआ था. इट वॉज़ अ लिटल मंकी, वो बहुत छोटा सा था. ड्रेस्ड इन ब्लू पैंट, उसने नीली पैंट पहनी थी, येलो जैकेट थी उसकी और वाइट स्ट्रॉ हैट और उसकी वाइट कलर की कैप थी, ठीक है, ये था बंदर. पिपी वॉक अलॉन्ग द स्ट्रीट विद वन फूट ऑन अ साइड वॉक एंड द अदर इन द गटर, ठीक है. तो पिपी वॉक कर रही थी तो उसका एक पाँव किधर था, फुटपाथ पे था, ठीक है, और दूसरा गटर में, मींस नाली में था, साथ जो छोटी सी नाली थी. टॉमी एंड अनिका वॉच एज लॉन्ग एज दे कुड सी हर, टॉमी एंड अनिका जो थे उसे जहाँ तक वो देख सकते थे देखते रहे. इन अ लिटल वॉइस शी कम बैक एंड नाउ शी वॉज वॉकिंग टू वर्ड बैकवर्ड, तो जब वो वापस आ रही थी तो वो क्या था, बैकवर्ड, उल्टे कदमों से चल रही थी. डैट वॉज बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू टर्न अराउंड टू गेट होम, वो इसलिए ऐसा कर रही थी ताकि उसे घर पहुंचने पर मुड़ना ना पड़े. व्हेन शी रीच टॉमी एंड अनिका गेट्स शी स्टॉप, लेकिन जब वो टॉमी और अनिका के घर के पास पहुंची तो वो रुक गई.